दोस्तों 6000, 7000 और 8000 ये एक ऐसी रेंज है जो कि मेरे लिए ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज में से आती है अगर फ़ोन खरीदने की बारी आती है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जिनका बजट 6000, 7000 या 8000 से नीचे नीचे होता है उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और बजट जो है वो काफ़ी टाइट होता है। मतलब अगर 7000 के नियर बाय अगर बजट घूम रहा है तो डेफिनेटली आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि बजट काफ़ी टाइट है, लेकिन उम्मीदें फॉर श्योर ज़्यादा होती है और ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उन उम्मीदों को पूरा करूं। तो मैं छाट के लाया हूं ऐसे फ़ोन जो कि आप 6000 की रेंज में, 7000 की रेंज में खरीद सकते हैं और फॉर श्योर वो आपकी सारी उम्मीदों को पूरा करेगा। अगर आपको पबजी गेम खेलनी है, हाई स्पीड इंटरनेट चलाना है, अच्छा कैमरा आपको चाहिए, बैटरी बैकअप आपको स्ट्रांग चाहिए, प्रोसेसर दमदार चाहिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, फॉर श्योर आप सेटिस्फाई होंगे। तो शुरुआत करते हैं 6000 की रेंज से, मतलब ये Redmi 6A जो कि आपको 6499 रुपए का मिल जाएगा। और क्या कमाल का ये फोन है, इसमें आपको AI का सपोर्ट मिलता है, Helio A20 का आपको क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें मिल जाएगा, 2GB की इसमें आपको रैम मिलेगी और 32GB की इसमें आपको स्टोरेज मिलेगी जिसे आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं, 5.45 इंचेस का आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है और साथ ही आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 3000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी, 13 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन EIS को भी सपोर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो को ज़्यादा हिलेगा नहीं, अच्छा सा ये बना के देगा। ट्रिपल कार्ड इसमें आपको स्लॉट मिलेगा तो आप 2 SIM कार्ड लगाने के बाद भी अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, साथ ही आपको मिलेगा फेस अनलॉक का फीचर। दोस्तों इसका एक वेरिएंट जो है वो 5999 रुपए में भी आता है जो कि 16GB वाला वेरिएंट है, तो बिल्कुल निराश नहीं होगा अगर आपका जो बजट है वो 6000 से भी नीचे, तब भी आप 6A फ़ोन ले सकते हैं। 16GB वाले वेरिएंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे अगर फ़ोन की बात करूँ तो वो है Realme का C1 और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ़ोन है इस रेंज के अंदर। और अगर बात कर रहा हूँ Realme C1 की तो मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने गिव अवे के बारे में। दोस्तों क्या आप हमारे गिव अवे के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फटाफट ये एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। दोस्तों आपके चैनल पर चल रहा है एक ज़बरदस्त गिव अवे जिसके अंदर जीत सकते हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी हैं। तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे 5-5 मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है 5 एंट्री कर सकता है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर करेंगे और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये 5 आपकी एंट्रीज बन जाती हैं, तो जीतने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे, इसको लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा, तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर और ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों Realme C1 के अंदर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर, जी हाँ बड़े आराम से आप खेल पाएंगे अच्छी खासी गेम्स इसके अंदर। और इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट, एक 2GB रैम वाला और एक 3GB रैम वाला। 2GB रैम के साथ आपको 32GB की स्टोरेज मिलेगी जिसे आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं, ये आपको 7499 रुपए का मिलेगा। साथ ही 3GB वाला जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा महंगा है 8499 रुपए का, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी रेंज से ऊपर चला जाता है। तो 2GB 32GB के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर आपको मिलती है 6.2 इंचेस की HD+ डिस्प्ले। दोस्तों नॉच वाला डिस्प्ले है, क्या कमाल का इसके अंदर आपको लुक एंड फील आएगा, 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, साथ ही आपको मिलता है ड्यूल कैमरा 13 MP प्लस 2 MP का, तो कमाल के बुके इफेक्ट आपको मिल सकते हैं, 5 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, एक तरह का पावर बैंक, मतलब बैटरी जो है इसकी 4230 mAh की आपको मिलती है, ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट आपको मिलेगा, साथ ही मिलेगा फेस अनलॉक, रियलमी वालों का कलर OS 5.1 इसके अंदर आपको मिल जाता है, साथ ही आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, लुक्स कमाल के हैं, बिगर बैटरी है, प्रोसेसर भी कमाल है इस रेंज के अंदर, नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिल जाता है, मतलब क्या बोलें दोस्तों, मतलब एक कंप्लीट फोन है इस रेंज के अंदर। अगर कोई ड्रॉबैक की बात करूं तो सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूं, फिंगरप्रिंट इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, बाकी फोन जो है वो एक नंबर फोन है, जबरदस्त फोन है, जानदार फोन है। अगर आपका बजट जाता है इस रेंज पे तो डेफिनेटली आप इस फोन के लिए जरूर जाइएगा, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, ये मेरी श्योरिटी है आपको। दोस्तों तीसरे अगर फोन के बारे में बात करूं तो ये फोन अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर आया है और आते ही इसने मार्केट को लगभग हिला दिया है। इस फोन के आने की वजह से एक बड़े ब्रांड को भी अपने फोन को थोड़ा डिले करना पड़ा क्योंकि उनको पता है कि अब
मार्केट जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। ये फोन है सैमसंग का M10। जी हाँ दोस्तों, 6.2 इंचेस की इसके अंदर आपको HD डिस्प्ले मिलेगी, और डिस्प्ले के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा। देखने बहुत ही खूबसूरत ये डिस्प्ले है, इन्फिनिटी डिस्प्ले इसको बोला जाता है, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। 1.6 GHz का आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा एक्जोनोस का, जो कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है 7870। दोस्तों होता क्या है, सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है तो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो बैटरी आपको काफ़ी और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलने को देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 625 से थोड़ा सा नीचे रहता है, और अगर मीडियाटेक की बात करें तो P23 के आसपास ये परफॉर्म करता है। जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपको मिलता है 2 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज। साथ ही अगर आप 1000 रुपये बढ़ा सकते हैं, अगर आपका बजट है, तो आपको 3 GB और 32 GB का आपको वेरियंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका 1000 रुपये बजट जाता है तो आप 3 GB 32 GB वाला वेरियंट भी ले सकते हैं। एंड्रॉयड 8.1 का आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको 13 MP का f1.9 अपर्चर प्लस 5 MP का ड्यूल आपको कैमरा मिलने वाला है, तो वाइड एंगल सपोर्ट भी इसमें आपको मिलेगा, और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। 3400 mAh इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि फ़ोन के अंदर क्या देखने वाली चीज़ है, तो एंड्रॉयड पाई का अपडेट इसमें आपको फोर श्योर मिलेगा। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लुक एंड फील बहुत ज़बरदस्त है, कोई देख के ये नहीं बोल सकता कि 8000 रुपये का फ़ोन है। डिसेंट बैटरी आपको मिल जाएगी, ड्यूल वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, और फेस अनलॉक का आपको फीचर मिलता है। और जो चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये फ़ोन लेने से पहले आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों ये एक हार्डकोर गेमिंग फ़ोन नहीं है, आप इससे बहुत ज़्यादा गेमिंग में उम्मीद मत कीजिएगा, हो सकता है पबजी इसके अंदर आपकी लैग कर जाए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो आपके अंदर 5 W का चार्जर मिलता है, मतलब कि काफ़ी फास्ट ये चार्ज नहीं करेगा, लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरी बैटरी को चार्ज करने में। तीसरी अगर बात करता हूँ तो फिंगरप्रिंट का इसके अंदर आपको सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि मेरी उम्मीद थी कि इसमें मिलना चाहिए। तो दोनों चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी है, जो फ़ोन के अंदर दमदार है, ज़बरदस्त है, वो भी मैंने आपको बता दिया, जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए फ़ोन को खरीदते टाइम, ताकि कल को आप निराश ना हो उस चीज़ को देखकर या नहीं देखकर। तो वो डेफिनेटली मेरा बताना फ़र्ज बनता था। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि किसी फ़ोन की सिर्फ तारीफ ही करते चले जाओ, तो जो चीज़ अच्छी थी वो भी मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।